पाकिस्तानी ताजर और मुखय्यर हजरत जावेद अफरीदी ने उस बूढ़े पाकिस्तानी चरवाहे के अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है जो सादा लेकिन चश्मे कुशा लिबास में मस्जिद नबवी में घूमने के बाद वायरल हुआ था। हब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 82 साल अब्दुल कादिर बख्श ने लाखों लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई जब उनका मस्जिद नबवी के सहन में चलने का क्लिप वायरल हुआ और यहाँ तक के सऊदी वली अहद के मुशीर की जानिब से रद्द अमल का इशारा भी दिया। जावेद अफरीदी ने एक ट्वीट में कहा कि हैरत अंगेज और खुशी होगी अगर वो अपने हज के सफ़र के लिए स्पॉन्सर करने की हमारी पेशकश को कबूल करते हैं। मुल्क के मादनिया से मालामाल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला एक चरवाहा अब्दुल कादिर बख्श गुज़िश्ता हफ्ते हज की अदायगी के बाद वतन वापस पहुँचा जिसके लिए वो एक दिहाई से जायद अरसे से बचत कर रहा था। उसका ताल्लुक इंतहाई आजिज़ाना पस मंज़र से था और उनके पास मोबाइल भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी वीडियो नहीं देखी जिसको लाखों बार देखा गया। अरब न्यूज़ के साथ अपनी कहानी का इश्तराक करते हुए छड़ी के साथ चलने वाले बुज़ुर्ग शख्स ने कहा कि उनकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो गई हैं। उन्होंने इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकाम पर जाने की अपनी दहरीना ख्वाहिश को याद किया जो अब पूरी हो गई है। अब्दुल कादिर बख्श ने कहा कि वो सातवें आसमान पर थे जब उन्होंने पहली बार मक्का को देखा। जब वो खाना काबा पहुँचे तो उनकी तमाम दुआएं कबूल हो गईं।